नमस्कार, मुझे मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़। बढ़ते हैं आज की खास खबर की। केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक पुराना वाक्य याद करते हुए बड़ा खुलासा किया है। गडकरी ने बताया कि कैसे उन्होंने 2000 करोड़ रुपए बचाए थे। हालांकि उनके इस कदम से धीरूभाई अंबानी और बाला साहेब ठाकरे जी बुरी तरह से उनसे खफा हो गए थे और कहा था कि उन्हें किसी की परवाह नहीं है। गडकरी शुक्रवार को निवेशकों के एक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान गडकरी ने बताया कि 1995 में वे राज्य मंत्री थे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के लिए उनके पास रिलायंस का एक टेंडर पास किया गया था। ये टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, जो कि नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा लगा था। ऐसे में उन्होंने रिलायंस का टेंडर रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते ना सिर्फ रिलायंस के धीरूभाई अंबानी बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाला साहेब जी भी उनसे खफा हो गए थे। उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो गडकरी ने बताया कि वह प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक से पैसे जुटाएंगे। उस समय उनकी बात पर लोगों को काफी हंसी आ रही थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने गडकरी से कहा कि ऐसा करके दिखा। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। गडकरी बोले कि उनके बाद वह लैपटॉप लेकर निवेशकों के पास जाते और उन्हें योजना के बारे में बताया करते थे। वह बोले कि तब निवेशकों के पास जाकर उन्हें योजना के बारे में समझाना पड़ता था, लेकिन आज का वक्त अलग है। जब निवेशक खुद ही हमारे पास और निवेश करने की बात करने के लिए आते हैं। गडकरी ने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट सिर्फ 1600 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया गया था। दूसरी ओर रिलायंस का टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, यानी गडकरी ने 2000 करोड़ रुपए की बचत सीधे सीधे कर ली थी। इस पर रतन टाटा ने गडकरी से कहा था कि आप तो हमसे भी काफी स्मार्ट निकले, क्योंकि टाटा को भी नहीं लगा था कि इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बाजार से भी पैसे उठाए जा सकते हैं। गडकरी का कहना था कि हम 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे बना रहे हैं और करीब 2,00,000 करोड़ की टनल है। पैसे की कोई कमी नहीं है, हम सोने की खदानों पर बैठे हैं। हमारे पास टोल राजस्व है और यह बढ़ रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है। हमें लॉजिस्टिक लागत को कम करने और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, जो निर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार को पैदा करने में मदद करेगा। हम जल्द ही फ्लेक्स इंजनों पर एक एडवर्टाइजरी भी जारी कर रहे हैं। 2 से 3 साल में हमारे वाहन ईडी में परिवर्तित हो जाएंगे। ईडी की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल वाहनों के सामान्य या फिर उससे भी कम हो जाएगी। टोयोटा और सुजुकी और हुंडई ने आश्वासन दिया कि वे फ्लेक्स फ्यूल इंजन निर्माण को बढ़ाएंगे। तो ये थी आज की खास खबर। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।